trade taken. नहीं यार, जैसे ही -4000 रुपया था मैं उसको बंद कर दूंगा। मुझे लगता है कि हम अब इस सैलरी को पास नहीं कर पाते, इस तरह से काम नहीं कर अगर आप न्यू हो तो एपिसोड 1 मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं एक $400K चैलेंज के ऊपर, ट्रेड 1 से लेके टिल फंडेड स्टेज, यहाँ अगर उसको हम फेल करते हैं। ट्रेड टेकन। सो ये आज की दूसरी ट्रेड है, आई एम सेलिंग गोल्ड 33 लॉट्स के साथ, लेट मी पुट माय स्टॉप लॉस इन। कुछ जरूरी चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, ये DX ट्रेडर का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डिफंडर ट्रेडर हमें ईमेल सेंड करता है और हमें बताता है कि मैं ब्रोकर चेंज कर रहा हूँ, और मैंने बोला इट्स ओके, हमें दूध चाहिए, गाय से दो या बैन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो भी मुझे पता चल रहा है इनका अपना प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, MT4 या MT5 के साथ ट्रेड नहीं करते, और यकीन माने ये इनका एक गंदा सर्वर है इनका। दूसरी ट्रेड क्यों है, क्योंकि पहली मैं लूज करके वही सुबह और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ। मैंने लॉस किया इस सुबह $7,000 का, आपको पता लास्ट एपिसोड से हम प्रॉफिट में थे, और इस सुबह के लॉस के बाद हमारा बैलेंस दोबारा नेगेटिव हो गया। Few moments late. Boom. It's a loss, second loss of the day, और हम आगे बैठ गए हैं -$11,600। फंडर ट्रेडर के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो हम ओवरऑल -2.5% हैं, और नीचे आपको आज की दोनों ट्रेड्स नजर आ रही हैं। ट्रेड टेकन। वेलकम वेलकम गाइस, और मैंने अभी भी गोल्ड को बाय किया है, हमारी तीसरी लगातार ट्रेड है गोल्ड के ऊपर, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम कल वाला लॉस जरा क्लियर करेंगे। और बाकी आप प्राइस एक्शन से देख ही सकते हो प्राइस एक अप ट्रेंड में, और पिछले दोनों 4H कैंडल्स हैं जो वो भी बुलिश क्लोज हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग गोल्ड टुडे। फ्यू मोमेंट्स लेट। तो ट्रेड आपके सामने है, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हम बुलिश प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाए, और अभी मैं वेट करूंगा अपने माउस के साथ स्टॉप लॉस के बिल्कुल ऊपर, क्योंकि अगर -4000 रुपये ट्रेड जाती है तो मैं उसको फ़ौरन बंद कर दूंगा, मैं उसके ऊपर एक रुपया भी नहीं इस पर रिस्क करना चाहता। ओके नहीं वो सो मैं कुछ खास कहना नहीं चाहता, तीसरी कंसेक्यूटिव लॉस है, गोल्ड हमें चूस रहा है पकड़ कर। डैशबोर्ड पे आप एक दफ़ा नज़र मार लें क्या हालात चल रहे हैं। ट्रेड Taken. All right, आज की second and last trade, मैंने दोबारा गोल्ड को बाय कर लिया, और स्टॉप लॉस आप देख सकते हो 2600 पे हर लोगों के नीचे, एंड अलार्म सेट कर लेते हैं, और उसके बाद एज यू नो सिंपल प्राइस एक्शन, प्राइस ऊपर जा रही है, बाय कर रहे हैं। Few moments late. चौथा consecutive loss, मुझे सांस नहीं आ रही। सॉरी गाइस, मुझे लगता है कि हम अब इस सैलरी को पास नहीं कर पाएंगे, अब दोबारा मुश्किल से हम प्रॉफिट में आएंगे, बिल्कुल कोई चांस नहीं, मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि फॉरेक्स एक स्कैम है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया मजाक एक साइड पर, लूजिंग इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कोई बात नहीं, कि मेरी आपके साथ कमिटमेंट है फेल या पास, कि मेरी आपके साथ ये कमिटमेंट है, फेल होता है फिर भी तो आपको दिखाना है ना, इट्स नॉर्मल। अगर मैं इसको फेल भी करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। सो आज के दिन भी अनफॉर्चुनेटली 2 लॉसेस के साथ बंद हो रहा है, कल आना है, कल देखेंगे इसको इसकी ऐसी की जैसी। ट्रेड टेकन। ऑलराइट, मैंने बाय कर लिया जी GJ को, और सिंपल प्राइस एक्शन है, एज यू कैन सी लास्ट दोनों 4H कैंडल बुलिश क्लोज हुए हैं, और 5 मिनट स्ट्रक्चर पे भी एक अप ट्रेंड है, स्टॉप लॉस एक हायर लो के नीचे बहुत ही सेफ जगह पे, लेकिन ये मुझे स्टॉप लॉस लगाने क्यों नहीं दे रहा, ये इसीलिए मैं कह रहा था इनका सर्वर इतना गंदा है। ये देखिए मुझे अब स्टॉप लॉस भी नहीं प्लेस करने दे रहा, खैर मैं मुझे अब इसके ऊपर बैठना पड़ेगा मैनुअली, अगर ये नीचे आती है -$4,000 पे तो मैं इसको बंद कर दूँ। फ्यू मोमेंट्स लेट। वाह, फाइनली 4 लॉसेस के बाद विनर आ गया, मैंने आपको बोला था ना घबराना नहीं है इंशाल्लाह। तो या अलार्म हिट हो चुका है हमारा, अब यहाँ आपको पता है इसने हमें स्टॉप लॉस तो लगाने नहीं दिया था इस ट्रेड के ऊपर, तो मैं अब अपना स्टॉप लॉस 1 hour पे कर दूंगा, इमेजिनरी स्टॉप लॉस, ये जहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे हमारा इमेजिनरी स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस रिट्रेस करती है यहाँ पे तो मैं इसको बंद कर दूंगा, नहीं तो मैं इसे ऊपर जाने दूंगा, मैं वेट करूंगा 4-5% का। ज़रा गौर से समझे इस बात को, बहुत अच्छा हुआ है कि मैंने एक लूजिंग स्ट्रीक का सामना किया, इससे आपको पता चलेगा कि जब आप लगातार लॉसेस करते हो आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। इट्स ओके, होता है, आपने स्ट्रेटजी नहीं चाहिए करनी, आने वाली 10-20-100 ट्रेड्स के बारे में सोचें, इमीडिएट रिजल्ट्स 3-4 लॉसेस देख घबराना नहीं है,
फॉरेस्ट को नहीं कहना कि यार ये काम ही नहीं करती, स्कैम है नो, चिल रहे, नंबर्स इंशाल्लाह प्ले आउट करेंगे जब तक आप अपने रूल्स रिस्पेक्ट करते हो। सो या गाइस, प्राइस तकरीबन 3 आर तक गई थी लेकिन मैंने बंद नहीं किया क्योंकि मैं इससे ज़्यादा चाहता था, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अब इसने रिट्रेस किया है और हमारा इमेजिनरी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सो मैंने ट्रेड को बंद कर दिया। ट्रेड टेकन। लास्ट ट्रेड को बंद हुए अभी 2 मिनट नहीं हुए जी, और मैंने गोल्ड को बाय कर लिया। मुझे एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। एक दफा मुझे डर लग गया, सच बता रहा हूँ, कि यार अभी अभी थोड़ा सा प्रॉफिट आया, मैं वापस दोबारा नहीं देना चाहता मार्केट को, लेकिन फियर फैक्टर की कोई जगह नहीं है हमारे पास। इंतहाई प्यारा सेटअप है और स्टॉप लॉस हमें अभी भी सर पर लगाना नहीं दे रहा, सो मैं इमेजिनरी स्टॉप लॉस इस लोअर हाई के नीचे लगा रहा हूँ। फ्यू मोमेंट्स लेट। नहीं 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 यार, ऐसे ना करो, 5 मिनट में दोबारा वापस हमसे प्रॉफिट ले रहा है जो हमने बनाया। नहीं यार, यार मैं वेट करूंगा माउस के साथ, जैसे ही -4000 रुपया था मैं इसको बंद कर दूंगा। इट्स सी, इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई बात नहीं। ओ बच गए, बच गए, मुझे लगता है बच गए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरा बहुत बहादुराना फैसला था क्योंकि मुझे पता था ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गए। और देखते हैं अब ये क्या करती है प्राइस। Few moments late. All right, alhamdulillah, back to winners. TP के बहुत पास हैं हम, and there you go. आपको पता ही है, अब हम stop loss कर देंगे 1 hour पे और profits को हम run करने देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बस ऐसी ट्रेड लगा देता हूँ, प्राइस ऊपर जा रही होती है बाय कर देता हूँ, नीचे आ रही है सेल कर देता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही रूल बेस्ड है और मैंने इसको बैक टेस्ट कर के जूस निकाला हुआ है इसका। सो इट्स अ ब्लू प्रिंट। मुझे 100% यकीन होता है कि इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में नंबर्स विल प्ले आउट। सो एज यू कैन सी, ट्रेड बंद हो गई है हमारे स्टॉप लॉस के पास जो कि था 1 hour पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हम बंद कर रहे हैं पॉजिटिव विद 2 profitable ट्रेड्स। फाइनली हम फाइनल डे को रीच आउट कर गए हैं। सबसे पहले आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर शेयर करता हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि हमारा बैलेंस -3% से +0.8% कैसे हो गया। सो आपको समझाता हूँ, मुझे ये ईमेल आती है डिफंडेड ट्रेडर वालों से, और उनको फाइनली थोड़ा एहसास हो गया हमारा, उनको समझ आ गई कि उनका जो नया सर्वर है वो काफ़ी मसला कर रहा है। दैट्स व्हाई जितने भी ट्रेडर्स उनके साथ काम कर रहे हैं उनको वो 4 से 5% का बैलेंस दे रहे हैं। ट्रेड टेकन। थोड़ी देर बाद न्यूज़ आ रही है गाइस, मैं जियो के बाय में हूँ। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, काफ़ी है, काफ़ी है। ये होता है जब न्यूज़ आए ना, वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ऑर्डर भी नहीं फिल होता है। अबे काफ़ी है, काफ़ी है यार, शेट, सर्वर ही शॉट डाउन कर गया, शेट। अगर किसी को लग रहा हो ना कि इन्होंने 5% हमें गिफ्ट दिया, तो ये देख लें सर्वर के हालात देख लें। Few moments late. Almost 10 मिनट के बाद दोबारा मैंने लॉग इन किया जी सर्वर में, फिर अल्लाह का शुक्र है अभी भी ट्रेड $13,000 इन प्रॉफिट में, इसको बात कर रहा हूँ। अभी आ जाती है आज के दिन पे। ये आज के दिन की पहली ट्रेड नहीं थी, आपको सारी ट्रेड सिखा के बोर नहीं करना चाहता था। आज मैंने पूरा दिन ट्रेड किया जियो को। पहली ट्रेड एक ब्रेक इवन ट्रेड थी, प्राइस इस एरिया से नीचे पुश नहीं कर पा रही थी, सो मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया। इट वाज अमेजिंग डिसीजन। फिर मैंने एक ही ट्रेडिंग आइडिया पे मैंने जियो को किया 2 दफा बाय। पहली ट्रेड में मुझे -1% का लॉस होता है और दूसरी पे मैं हाफ रिस्क के साथ जा रहा था क्योंकि वो एक री एंट्री थी, सो मुझे 0.5% का रिस्क होता। और ये आज की चौथी और फाइनल ट्रेड थी, इस एपिसोड की भी फाइनल ट्रेड, एंड इट्स अ 3 hour विनर। फिर आज के दिन हम क्लोज कर रहे हैं +1.5 hour। हमारा स्टार्टिंग बैलेंस था 4,01,000 तकरीबन, और अभी हम बैठे हुए हैं 4,07,000 पे, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके बाद हमारा विन रेट 40% हुआ, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, उसी हिसाब से ये विन रेट परफेक्ट है। बाकी ये सारी ट्रेड्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी ट्रेड्स आपने देखी हैं। करेंटली वी आर सिटिंग ऑलमोस्ट 2% इन प्रॉफिट। हमेशा की तरह मैं इस डॉक्यूमेंट्री को तभी कंटिन्यू करूंगा अगर आप इस वीडियो को मुझे प्यार देंगे और मुझे बोलेंगे कि यार दिस इज यूजफुल। अगर आपकी वीडियो काम आ रही है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, वरना इज टू मच टफ। मैं किसी और कॉन्टेंट के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा डी एंड हो